वाला बेस्ट संडे था, सबसे अच्छे संडे। आपको ये सब जानना है तो मेरी मम्मी का यूट्यूब पे देख लो और पता चल जाएगा। हेलो माय यूट्यूब की फैमिली, तो आज मैं इस हालत में ऐसे कुछ क्यों हूँ आपके सामने। आज है संडे, और आज संडे बहुत बिजी है मेरा, तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि इतना बिजी क्यों है। एक्चुअली आज संडे के दिन कुछ स्पेशल हो रहा है तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही था। सुबह से आज बहुत बिजी हो गई मैं। पहले तो निगार के क्लास गई, मैथ्स क्लास जाती है वो अबेकस, तो आज उसका उसने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसमें उसको प्राइज़ मिलना था, वो पेंडिंग था, तो आज वो हुआ, उसको प्राइज़ मिला। और उसके बाद फिर घर पे आई, घर के सारे काम निपटाए, रोज़ा भी था, नमाज़ नहीं पढ़ी है मैंने, ज़ोहर का टाइम भी हो चुका है, सुबह से काम में ही लगी थी। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको कि आज का वीडियो इतना खास क्यों है, आज का संडे इतना खास क्यों है। मैं आज को बताऊँ आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि नहीं तो टाइम निकल जाएगा ज़ोहर का। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं आती हूँ। ओके, तो नमाज़ पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ ली, इबादत हो गई, तिलावत हो गई, अब संडे क्यों स्पेशल है, ठीक है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है ओके। ये है आज संडे स्पेशल मेरा इसलिए है क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट किया गया है। फर्स्ट टाइम हमारी सोसाइटी में जो है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि मतलब जो हमारे लिए हमेशा होता है, हमारे बिल्डिंग में सोसाइटी में हमेशा फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, नवरात्रि, गणपति, दिवाली, दशहरा, सब होता है, लेकिन मुस्लिम कास्ट के लिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे लिए कभी कोई ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं है सोसाइटी में, बहुत कम मुस्लिम है यहाँ पर। और तो फिर भी इन लोगों ने एफर्ट लगाया और हमारे लिए कुछ सोचा कि हमेशा हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो रमज़ान में क्यों नहीं कुछ हमारे लिए भी किया जाए। तो हमारी सोसाइटी में आज इफ्तार पार्टी अरेंज की गई है, तो बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, जहाँ एक तरफ इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, बाहर आप सोशल मीडिया देखो कुछ ना कुछ डिबेट चली रही होती है, न्यूज़ में भी हमेशा कुछ ना कुछ डिबेट हो ही रही होती है, ये जो रिलीजियस मैटर है हमेशा हमेशा ये गर्म ही होता है, जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं उसके बाद हमारी सोसाइटी में यूनिटी, इतना एका है, इतना प्यार, इतना मोहब्बत है, बहुत खुशी मिलती है सब देख के। तो इसलिए ये मेरा आज का दिन, आज संडे, और ये संडे ब्लॉग इसलिए स्पेशल है, अच्छा होगा, तो मैंने भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने भी कुछ सामान दिए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ दिया, जिससे जो हो पाया उसने वो किया। दिखाऊंगी पूरा आज का दिन, आज का पूरा शेड्यूल दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी कि कैसे इफ्तार फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा हो, तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। अभी मुझे बहुत काम है, मुझे वीडियो भी बनाना है, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा है शायद, ये कपड़ों का ढेर पड़ा है, ये सारे कपड़े मुझे अभी फोल्ड करके अरेंज करना है, उसके बाद फिर तो आज मैं रील्स बनाऊंगी, घर के काम करूंगी, फिर नीचे इफ्तार पार्टी के अरेंजमेंट के लिए जाना है, लेडीज़ को बुलाया है, फ्रूट एंड ऑल कट करना है, तो फिर ठीक है चलो देखते हैं। अभी मैं रील्स की प्रिपरेशन करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, उसके बाद फिर। तो ये इनका संडे, ये कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ये बच्चा पार्टी का मुँह देखो। आज तुम्हारे लिए स्पेशल दिन क्यों है? ओके okay. तो चलो आप अपना प्राइस दिखाओ, ये है। ओके okay, तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं जा रही हूँ नीचे, फ्रूट्स कट करना है, तो मैंने वीडियो के लिए मेकअप किया था एक्चुअली, तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया, तो चाहे ऐसे ही रहने देती हूँ, जब नमाज का टाइम होगा तब इसको धो लूँगी। तो अभी जा रहे हैं नीचे, फ्रूट्स कट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको तो क्या हो रहा है बाल बाल। ओके okay, तो मेरा फेस कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा लूज है एक्चुअली, मुझे इसको ऑल्टर करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसको ऑल्टर करने का, तो वो बाद में करेंगे, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मुझे लग रहा है ठीक ही लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा है, ये लूज है तो भी, क्या बोलते हो? तो सारा सामान यहाँ पे आके रख गया था, सारे फ्रूट्स और जो भी थे सब आ चुके थे, सब जेंट्स ले आए थे और वॉश करके भी रख दिया था, तो मैंने सब लेडीज़ को कॉल किया जो नहीं आई थी, और सब ने मिल के हम फ्रूट्स काटने लग गए। तो पहले हम तीन ही थे, तीनों ने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे और भी सब आने लगे और सब ने फ्रूट्स काटे और बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर सबकी अपनी नोकझोंक स्टार्ट हो गई यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था, सब प्रिपरेशन हो चुकी थी। इधर 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 इधर
यस ये माधवी, ये माधवी ने, ये माधवी ने किया है और ये मुदस्सर भाई ने किया है, ये नाजिमा ने किया है। बताओ शरबत बन गया। बाहर निकली मैं, जा रही थी घर पे, देखा तो यहाँ पे लाइटिंग हो रही थी जहाँ हमें रोज़ा इफ्तार करना है। शाम हो चुकी है, सूरज ढलने लगा है, बस कुछ टाइम बाकी है रोज़ा इफ्तार के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे खेल रहे थे। तो मैं आ गई हूँ अभी घर पे क्योंकि मुझे ये सब मेकअप रिमूव करना था और असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैं सब रिमूव करके वज़ू बना के असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि प्लेट्स लगाने हैं। अभी सारे फ्रूट्स कट करके आ गए हैं, सब लेडीज़ अपने अपने घर चली गई हैं, बाकी जो अरेंजमेंट था वो सब जेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर हैं नीचे। सब मैं आई तो सब प्लेटें लगाने लगे थे जेंट्स लोग और सारी लेडीज़ भी आ चुकी थी, थोड़ा ही टाइम बाकी था। सब आके हम एक दूसरे को हाय हेलो सलाम दुआ करने लगे और सब एक दूसरे से मिलने लगे। सब मुस्लिम और हिंदू, सारी औरतें हैं इसमें, सब मुस्लिम नहीं हैं। बस रोज़ा खोलने हम सब बैठ गए, प्लेट से लगा दिए, कोई सर्व कर रहा है, कोई बैठा है। दुआ पढ़ाई हमें भाई ने और हम सब रोज़ा खोलने लगे। बच्चे भी बैठे थे, हम सब बैठे थे। पहली बार हुआ था तो टाइम का किसी को पता नहीं था, धीरे धीरे लोग आ रहे थे। और फिर यहाँ पे हमारा क्लब है, वहाँ पर ये नमाज़ का इंतज़ाम किया गया था। तो एक तरफ एक साइड लेडीज़ और एक साइड जेंट्स नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर रोज़ा खोलने के बाद हमने काफ़ी सारी बातें करी, फिर सारी आंटियाँ भी आ गई थी, फिर हमने काफ़ी बातें करी, मस्ती करी और हमने खाया। फिर रात का डिनर करने हम बाहर चले गए थे क्योंकि हम बहुत थक गए थे इसलिए। फिर यहाँ पे निगाह ने पिया सोडा, हम लोगों ने सोडा पिया, ये सोडा वाला बड़ा फेमस है हमारे एरिया में। ओके ते पागल सोडा नाम किसने सजेस्ट किया, ये बहुत अच्छा सोडा बनाते हैं ये दोनों। बस इस तरह से हमारा आज का दिन खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें।